का तो दिल ही नहीं लग रहा होगा आज भाभी के बगैर। ऐसे आपने उन्हें जाने की इजाजत क्यों दे दी? ओ विशाल ने इतने दिनों बाद रुकने का पूछा, इजाजत मांगी तो मैंने कहा मना क्या करना। वैसे भाई आप बुरा नहीं मनाइएगा, मुझे लगता है भाभी वहां किसी खास वजह से रुकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब हम उनके घर गए थे ना, तो भाभी का कोई प्लान व्लान नहीं था, लेकिन वो अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई वहां पे। जब वापस आई है ना, तो उनका पूरा मुंह लाल हो रहा था, जैसे घंटों बैठ के रोई हो। मेरा बस कहने का मतलब यही कि अगर जाना ही था तो आपसे इजाजत लेके जाती और साथ में कुछ कपड़े भी लेके जाती, लेकिन वो ऐसे ही चली गई। तुम यहाँ फजूल बातें बनाती रहोगी या चाय भी लेके आओगी? जाओ चाय लेके आओ। मम्मी चाय तो आप बना रही थी ना। बना दी, कप्स में डाल के लेके आओ। क्या यार, वो जो लड़के वाला वाकया नहीं हुआ, क्या नाम था उसका, वासिर? हाँ वासे, तब से ये बिलावजह भाभियों की दुश्मन बनी हुई है। मुझे भी बदगुमान करती रहती है उनके खिलाफ, और अभी तुम्हें भी पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही थी। अगर ऐसी बात है तो बहुत गलत बात है। आप प्लीज मुझे को समझाइए। समझाती हूँ, लगता है अब सख्ती करनी पड़ेगी इसमें। लेकिन अम्मी, ये अभी रमशा ने जो बात की कि मिशाल अपनी सहेली के घर गई और रोती भी आई थी, मेरी बात भी थी मिशाल से, उससे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम्हारी बीवी अकेली नहीं गई थी, नुदरत भी साथ गई थी। वो उसकी किसी सहेली के अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो बस वो ताजियत के लिए गई थी। जाहिर है इंसान मैयत के घर से आएगा तो हंसता हुआ तो नहीं आएगा ना, देख लिया होगा इसने रोते हुए। और कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो ऐसे ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुनो, अब तुम अपनी बीवी से बिला वजह की तफ्तीश मत करने लग जाना। मायरा के साथ इस घर में वैसे भी जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, हमसे राजी नहीं है, तो कम से कम हम मशाल को तो खुश रख सकते हैं। ठीक कह रही हूँ या नहीं? हाँ ठीक है भैया, नाश्ता करो। चाय तो ले आओ। अब जी आ रही हूं। अब मैं कर लूं नाश्ता? हाँ कर लो।